नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है डॉक्टर राहुल फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसी क्रीम के बारे में जो दांत खाद खुजली में यूज होती है और ये दांत खाद खुजली के लिए बहुत अच्छी क्रीम होती है। दोस्तों, एक्चुअली इस क्रीम का उपयोग हम लोग स्पेशली दांत में नहीं करते हैं, लेकिन खाज में भी कर सकते हैं। यह आपको छोटे छोटे दांत जो जननांगों के बीच में आपके होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में होती है, जांघों के बीच में होती है, तो वहाँ पे खुजली होने लगती है ना, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। या किसी भी प्रकार का जो वहाँ पे स्किन का इन्फेक्शन है उसमें भी हम यूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके यूज के डिटेल के बारे में। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्चुअली में क्वाडीड्रम RF क्रीम के बारे में। एक प्रकार की दांत खाद खुजली स्किन इन्फेक्शन में यूज होने वाली क्रीम है क्वाडीड्रम RF। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ये क्रीम कैसे काम करती है, कैसे यूज करना है, क्या क्या होता है इसकी, और क्या ब्रांड मार्केट में आती है जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं कुछ आपको ध्यान रखना होगा, और इसे यूज कैसे करना है सबसे जरूरी बात। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वाडीड्रम RF क्रीम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में देखा जाए तो एक ऐसी मेडिसिन है, ऐसी प्रकार की फार्मुलेशन की कम्बिनेशन होती है जो अलग अलग स्किन इन्फेक्शन में यूज की जाती है, स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज होता है। इसके अलावा ये जो दोस्तों क्रीम है वो हमारे ऊपर इन्फेक्शन के स्किन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स को खत्म करता है ये क्वाडीड्रम RF क्रीम। जैसे मान लीजिए आपको कहीं इन्फ्लामेशन हो गया है, इसकी वजह से वहाँ पे आपको रेडनेस है, स्वेलिंग है, ईचिंग हो रही है, तो उसको ठीक करने में हम क्वाडीड्रम RF का यूज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये माइक्रो एंटी एलिजेंट होता है, इसलिए ये हमारे ऊपर के जो स्किन इन्फेक्शन है उसको, जैसे बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ये ठीक करने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों ये जो क्वाडीड्रम RF क्रीम होती है ये अबॉट फार्मा के द्वारा बनाई जाती है और मार्केट में ये 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक के मार्केट में आती है, जिसकी प्राइस 50 रुपये से 70 रुपये हो सकती है। यानी जो 5 ग्राम की क्रीम है, 5 ग्राम की, वो इसकी प्राइस 50 से 70 रुपये आपको आराम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। कभी होता है आप अगर आप छोटी मार्केट में इस क्रीम को लेते हैं तो आपको सस्ते में मिल सकता है, और आप कभी कभी बड़ी मार्केट में लोगे तो आपको बड़ी में ज़्यादा MRP में आपको ये मेडिसिन मिलेगी। इसका जो 5 ग्राम क्रीम का प्रिंट रेट 57 से 70 रुपये हो सकता है, तो आपको उसी के करीब आपको मिलती है। नेक्स्ट टाइम हम बात करें कुछ क्वाडीड्रम RF के ब्रांड के बारे में। दोस्तों इसमें ये डायप्रोलाइट की क्रीम के नाम से आती है, और इसके अलावा क्लोमान क्रीम के नाम से आती है, और इसकी एक क्लोबैन फ्राइन के नाम से आती है, और इसके बहुत सारे ब्रांड आपको दोस्तों मिल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट टाइम हम बात करें इसके यूज के बारे में, इसको यूज कैसे करते हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर में 3 चीज़ें होती हैं। पहला इसका बिक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट कोट्रीमाजोल होता है, इसमें न्यूमाइसिन होता है जो एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। बिक्लोमेथासोन एक प्रकार का एक्चुअली स्टेरॉइड होता है जो हमारे स्किन के अंदर में ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो इन्फ्लामेशन फैलाते हैं, तो उसके लिए क्रीम यूज की जाती है जो स्किन को रेड करते हैं, स्वेलिंग लेके आते हैं। बिक्लोमेथासोन उन केमिकल को रिड्यूस करता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से संबंधित होते हैं, इस तरह के सिम्टम्स को खत्म करने का काम करती है। इसके अलावा एक प्रकार का न्यूमाइसिन है जो हमारे ऊपर का इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करती है, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन को रोकने का काम। एक प्रकार क्रोट्रीमाजोल हमारे स्किन इन्फेक्शन के लिए होता है, उसको हमारे इस क्रीम से ठीक किया भी जा सकता है। जो स्किन के ऊपर फंजाइन होते हैं, स्टॉक होते हैं, उसको खत्म करने में काम करती है। अब एजोल नाम से आप पता कर सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक है जो इन्फेक्शन में यूज की जाती है। जोल एक प्रकार का एक्चुअली में इन्फेक्शन के ही नाम से आदमी को पता चल जाता है कि यहाँ जोल है, तो ये इन्फेक्शन के लिए क्रीम ही है। अब बात करें अगर हम इसके साइड इफेक्ट के, तो कभी कभी होता है ना कि हम लोग यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज करने लग जाते हैं, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों अगर इसको आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं तो आपको ईचिंग महसूस हो सकती है, इसके अलावा आप जहाँ पे लगाएं वहाँ पे आपको ड्राइनेस महसूस हो सकती है, यहाँ पे रेडिंग और बर्निंग सेंसेशन भी बढ़ सकती है आपको एप्लीकेशन साइड में अगर आप अधिक मात्रा में लगाते हैं तो, या आप इसके प्रति एलर्जिक हैं तो। तो दोस्तों इससे ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट कोई दिखाई नहीं पड़ते हैं। और अगर हम बात करें इसके स्पेशल प्रिकॉशन इसकी बातों की, या कह रही जो कुछ बातों की ध्यान रखने की, तो सबसे पहले आपको तब यूज नहीं करना है जब आप इसके प्रति एलर्जिक नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इसकी डोज ज्यादा नहीं यूज करनी है, यानी कि आपको कहा गया है कि सुबह शाम यूज करिए, तो आप 4 बार यूज ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे और मेडिसिन
मेडिसिन आपको नुकसान करने लगेगी। बोलते हैं हर शरीर के ऊपर से तो लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो शरीर के अंदर जाता है और आपको फिर नुकसान करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों केवल एक्सटर्नली ओनली यूज किया जाता है, यानी आप इसको खा नहीं सकते हैं, मुंह के अंदर नहीं लगा सकते हैं। एंड केवल इसको आप इन्फेक्शन की ही जगह पे यूज कर सकते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सबसे लास्ट में, तो जरूरी बात है इसको कैसे लिया जाए, इसको कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसको आपको एक थिन लेयर अपने इफेक्टेड एरिया पे लगानी होती है। ध्यान रखें केवल इफेक्टेड एरिया पे ही लगाएं, जहाँ पे दांत खाद खुजली वहीं पे आप लगाएं, तो ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा और आपकी जो क्रीम की वजह से होगी। और आपको एक थिन लेयर है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, ये भी आप एक बात याद रखिएगा। उसके बाद आप जब इसे लगा लें तो याद रखें कि अपने हाथों को अच्छे से धो लें, डेटॉल से भी धो लें अपने हाथों को, और इसको लगाने से पहले भी आपको हाथ धोना है, ताकि इन्फेक्टेड लेयर पे जो है आपका बैक्टीरियल हाथ जो है उस ना लगे। एंड को धो करके उसको ड्राई करके आप मेडिसिन को यूज करें, उससे क्या होता है कि एंडिडिफाई नहीं होता है, जो वो आपको ज्यादा फायदा करती है दोस्तों। ये जो मेडिसिन है तो एक्चुअली ये आपको, अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तब भी आपको ये साइड इफेक्ट हो सकती है, और आप अपने इन्फेक्शन के हिसाब से लगाएं। ऐसा भी नहीं कि आप एक दो दिन यूज करें और छोड़ दें तब भी आपका इन्फेक्शन नहीं खत्म होगा। इसको आपको रेगुलरली यूज करना है जब तक आपका स्किन इन्फेक्शन और दांत खुजली आपका आराम ना हो जाए दोस्तों। इसलिए इसका अपना ध्यान रखें, इसका भी टाइम पीरियड होता है कितने दिन इसको यूज करना है, तो करीब आपको एक हफ्ते तक यूज करना ही चाहिए, 1 वीकली यूज फॉर ट्रीटमेंट क्रीम। और अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं कि क्यों ये ठीक नहीं हो रहा है। बाकी मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ तक 4 से 5 दिन में इस मेडिसिन से आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया क्वाडिड्रम के RF क्रीम के बारे में दोस्तों, जो एक प्रकार की ऐसी क्रीम है जो एंटी फंगल में काम करती है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।